का ब्रेक के बाद, तो आज किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं और इसी को देखते हुए सरकार प्रशासन की तरफ से दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। कमोबेश एक जैसे स्थिति इस वक्त सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर की दिख रही है और यहां तक की, क्योंकि मुख्यतः यहां पर पंजाब के जो किसान संगठन है वो मुख्यतः इस आज के इस दिल्ली चलो मार्च को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शंभू बॉर्डर पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ी जो है पहराबंदी यहां पर की गई है, बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती चारों ही बॉर्डर्स की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और मेरे जो तमाम सहयोगी हैं वो तमाम बॉर्डर पर स्थित हैं, वहां की तस्वीरों को हमारे सामने रख रहे हैं। दिल्ली कूच की तैयारी में आज किसान है, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सुबह 10 बजे दिल्ली चलो मार्च, तो आज एक बार फिर आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है दिल्ली से सटी। उधर कल देर शाम चंडीगढ़ में सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई थी जो कि पूरी तरह बेनतीजा रही। हालांकि कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन जो मुख्य मांग थी 5 घंटे की बैठक के बाद भी उन मांगों को लेकर कोई हल नहीं निकला है। अब ऐसे में सुबह 10 बजे तक का वक्त दिया गया है, अगर तब तक सरकार कोई समाधान निकाल पाती है तो ये जो दिल्ली चलो मार्च है ये रुक जाएगा, नहीं तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली राशन पानी के साथ तमाम किसान तैयार हैं दिल्ली कूच करने में। और चलिए मैं अपने सहयोगियों का रुख कर लेती हूँ। प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, विमल हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हैं, पवन मिश्रा टीकरी से और विशाल इंग्रीश चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विशाल पहले आपके पास आ रही हूँ। विशाल क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे का वक्त दिया है सरकार को, कुछ समाधान निकल सकता है? कल 5 घंटे से भी ज्यादा बैठक चली तब तो कुछ निकला नहीं, और ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में किसान आज दिल्ली कूच कर सकते हैं? देखो, हजारों की तादाद में जो किसान है, चाहे वो शंभू बॉर्डर है, या फिर खनौरी बॉर्डर है, या फिर सिरसा का बॉर्डर है, फिलहाल इस समय जो जीटी रोड मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जीटी रोड है और इसी जीटी रोड पर करीब 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर किसान बैठे हुए हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में है और काफ़ी तादाद में, हजारों की तादाद में ही ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी उनके साथ में है। और ये सामने मैं कैमरामैन गंभीर सिंह को कहूँगा कि वो दिखाए कि जहाँ पर भी जो शंभू बॉर्डर है, क्योंकि हरियाणा में इंटरनेट बंद किया हुआ है और हम थोड़ी 500 मीटर की दूरी पर हैं और सामने आपको शंभू बॉर्डर दिखाई दे रहा है और ये पंजाब पुलिस को यहाँ पे तैनात किया गया है एहतियात के तौर पे, और यहाँ पर भारी तादाद में पंजाब पुलिस के जवान भी हैं। और दूसरी ओर एक किला है, किले के अंदर चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या फिर हरियाणा पुलिस के जवान हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि इस बार लगातार ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है या हरियाणा पुलिस है वो आंसू गैस के गोले छोड़ने की प्रैक्टिस करती हुई आ रही है, और ये भी है कि इस बार आंसू गैस के जो गोले होंगे वो उनकी गन से ना फेंके जाएं, बल्कि ड्रोन के माध्यम से भी जो पुलिस ने ऐसी प्रैक्टिस की हुई है और उसी के चलते ही ड्रोन वहां से उड़ाया जाएगा और जो भीड़ होगी भीड़ के ऊपर गिराए भी जा सकते हैं। किसानों ने कहा कि उनका जो प्रदर्शन है, पवन क्या खबर मिल रही है यहां, कब तक?